वो भी ओन करना चाह रहे हो BMW, ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है, तो ओन करने से पहले ये वीडियो जरूर देख लेना, बहुत काम आने वाला है गाइस। और सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल बिहारी बाइकर। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और काफी अच्छे से अपने अपने घरों में रह रहे होंगे। तो गाइज, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि हम लोग अभी आए हुए हैं मरीन ड्राइव पे, और मेरे साथ आए हुए हैं यहाँ पे शिशिर, और भाई शिशिर भी अपने पूरे गियर्स में और मैं भी गियर्स में हूँ। तो गाइज, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज अपनी दोनों भाई के साथ में, और आज के वीडियो के अंदर मैं स्पेशली बात करने जा रहा हूँ BMW के बारे में, क्योंकि भाई अभी जो जो चीज़ फेस किया है हमारे भाई ने BMW के अंदर में, ये सब चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइज़, अभी यहाँ पे तो नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है, तो एक काम करते हैं, आगे किसी लोकेशन पे चलते हैं जहाँ पे थोड़ा भीड़ कम हो, खाली जगह हो, और वहाँ पहुँच के हम लोग बातें करेंगे और बताएंगे BMW के बारे में। तो भाई, जो भी ओन करना चाह रहे हो BMW, ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है, तो ओन करने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख लेना, बहुत काम आने वाला है गाइज़। और मेरे पास कुछ ऐसे भी चीज़ें जो दिखाता हूँ, तो एक बार मैं उस जगह पर रुकता हूँ, फिर आपसे बातें करता हूँ। तो गाइज़, पहले यहाँ से निकलते और रास्ते का भी कुछ शॉट आपको दिखाते हैं। सो गाइज, अभी हम लोग मरीन ड्राइव पे आ चुके हैं, और एक अपडेट दे देना चाहता हूँ मरीन ड्राइव के लिए कि गाइज, जगह जगह पे अब जो स्पीड कैमरा वो लग चुका है। मैं बताना चाहता हूँ BMW के अंदर में गाइज, BMW का जो रोड प्रेजेंस है ना, वो बहुत ही तगड़ा है। और भाई, जो लुक इसका आता है ना, रेड और वाइट में, जो भाई का अपना कलर है, और कोई भी भाई, एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ, कोई भी बाइक लेता है और इतनी महंगी बाइक लेता है तो भाई बहुत मन से लेता है, बहुत दिल से लेता है। और बाकी मैं अभी आपको इसका लुक तो आप देख ही रहो, कितना प्यारा लग रहा है। और बाकी मैं आगे चल के अभी एक जगह पे रुक भी रहा हूँ, वहाँ पे मैं सारी बातें भी करूँगा डिटेल्स में। तो अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे रोकता हूँ और सीधे आपसे मिलता हूँ उसी लोकेशन पर। सो गाइस, फाइनली अभी हम लोग अपने लोकेशन पर आके रुक चुके हैं, और आपको दिख भी रहा होगा कि पीछे अपनी दोनों बाइकें खड़ी हैं। तो गाइस, आज प्रॉपर हम लोग बात करने जा रहे हैं BMW के बारे में, क्योंकि भाई अपना ओन कर रहा है BMW, और भाई को ओन करते हुए ऑलमोस्ट 2 साल हो गया है BMW को ओन करते हुए, और अपनी जेरी को भी ओन करते हुए भाई ऑलमोस्ट 1.5 ईयर हो चुका है। तो गाइज, अब हम लोग बहुत परफेक्टली इसका रिव्यू कर सकते हैं, और इसके बारे में हम लोग को ऑलमोस्ट सारा कुछ पता चल चुका है इतने दिनों में राइड करने के बाद, क्योंकि भाई भी अपना ऑलमोस्ट 18,000 किलोमीटर चला चुका है, तो बहुत बेहतर तरीके से बता सकता है। बाकी गाइज देखो, बाइक जो है वो बहुत ही सही बाइक है, बहुत अच्छी बाइक है, नो डाउट। बट गाइज, इसके साथ में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और सबसे बड़ा इशू जो आता है, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप ऐसे शहर में हो जिस शहर में आपका शोरूम है BMW का, तो आपके लिए ये बाइक बहुत अच्छी है। बट गाइज, अगर आप ऐसे जगह पे रहते हो जहाँ पे इसका शोरूम नहीं है, और जैसे कि अपने BMW का शोरूम बिहार झारखंड मिला के झारखंड में, सिर्फ रांची में, मतलब मैं बिहार झारखंड की ही सिर्फ बात कर रहा हूँ, तो ये हमारे लिए सबसे नज़दीक स्टेट पड़ता है। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, भाई को ओन करना था तो भाई ने 2 बाइक लिए थे एक साथ में, BMW 310 और GS, दोनों बाइक भाई ने एक साथ लिया था, ये सोच के लिया था कि भाई बहुत ही अच्छी बाइक है, और जो पहला पसंद था वो BMW ही था, और मैं BMW ही देखने के लिए गया था फर्स्ट टाइम पे। बट गाइज, उस टाइम पे मेरे को भी यही बताया गया था कि इसके सर्विस के बारे में पता कर लो। जब मैं कंपनी में था तो कंपनी वालों ने बहुत अच्छा क्लेम किया कि भाई हमारी सर्विस बहुत अच्छी है, हम लोग पटना के अंदर बहुत सारी बाइक सेल कर चुके हैं, बिहार में हमारा बहुत सारा बाइक सेल हुआ है, और हम जो सर्विस देते हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से सर्विस देते हैं, हमारी सर्विस बहुत अच्छी है, हमें ये बताया गया। बट गाइज, जब मैंने बहुत लोगों से पूछा, कुछ भैया क्या लोगों से भी पूछा कि मुझे अभी बाइक ओन करना है, तो ऑलमोस्ट मैं 4 लाख इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि कौन सी बाइक इस रेंज में अच्छी है, और यहाँ पे कौन सी बाइक मतलब चलाने में और सर्विस वाइज सब कुछ मुझे अच्छे से मिलेगी। तो गाइज, उस समय मुझे 1-2 लोगों ने रिकमेंड भी किया था कि BMW के लिए मत जाओ, क्योंकि उसकी सर्विस आपको पटना के अंदर सही नहीं मिलेगी। बट भाई ने ओन कर रखा था, तो भाई को उस समय तक, तो जिस समय तक सर्विस नहीं हुई थी, क्योंकि भाई इसकी जो सर्विसिंग होती है वो पहली सर्विसिंग शायद 6 मंथ की हुई थी, ओके, तो पहला सर्विसिंग 1,000 पे, तो भाई का 1,000 तो मैं कह सकता हूँ। हाँ, पहला सर्विसिंग के बारे में जैसा कि आपको बताया गया कि वो 1,000 किलोमीटर पे होती है, तो वो तो भाई जब रांची से लेके आया हुआ तो उसी समय उसका 350-400 किलोमीटर जो है वो चल चुका होगा, 4 दिन में 1,000 कम्प्लीट हो गया था, तो विद इन 4 डेज 1,000 किलोमीटर कम्प्लीट हो गया था, और उसकी सर्विसिंग भी टाइम पे हो गई उस टाइम पे, सर्विस मिला अच्छा टाइम पे। तो गाइज, उस समय तक इसकी सर्विसिंग भी बहुत अच्छे से और टाइम पे हो गई थी। बट गाइज, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भाई का सेकंड सर्विस का टाइम आया तो भी इसे सर्विस नहीं मिली, बट थर्ड सर्विस से भाई, तो भाई का सेकंड सर्विस टाइम पे हो गया था, बट बाइक के अंदर फिर कुछ इशू आया, कुछ प्रॉब्लम आया, बैटरी का इशू आ गया विद इन अ ईयर, मतलब कि वारंटी पीरियड में ही बैटरी का इशू आया, और वो भाई एक बार नहीं, दो बार आया, दो बैटरी ऑलरेडी चेंज हो चुका है इस बाइक के अंदर। बट हमारा इशू ये भी नहीं है कि चलो ठीक है बैटरी खराब हुआ आ गया, बट अभी गाइस जो थर्ड सर्विसिंग थी हमारी बाइक की, उसके लिए हमें इतना प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, क्योंकि भाई यहाँ से मैसेज कर रहा था और इसके बाइक में एक छोटा सा प्रॉब्लम आ गया था कि फ्यूल जो था वो लीक कर रहा था बाइक से, और फ्यूल लीक करने के कारण सबसे बड़ा इशू ये होता है कि हम लोग बाइक चला भी नहीं सकते हैं, और ओवर हीट होने के कारण हमें डर भी रहता है कि कहीं उसमें आग ना लग जाए, और ये सारा
थोड़ा इग्नोर करना, अभी हम लोग एक्चुअली मरीन ड्राइव पे, तो हॉर्न की आवाज इस तरीके से आ सकती है। और भाई बहुत टाइम से मैसेज कर रहा था क्योंकि भाई दुर्गा पूजा आ रहा था और उसके बाद दिवाली था, तो फेस्टिवल में सब अपने बाइक को राइड करना चाहते हैं, और मेनली हमारे बिहार के अंदर में छठ होता है भाई। तो जो बिहार को जानते होंगे थोड़ा भी, तो ये बिहार का फेस्टिवल है, छठ महापर्व कहा जाता है। तो भाई को जो भी प्रॉब्लम आई थी उसके बारे में मैं आपको पूरे, मतलब अभी मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा कि भाई ऑलमोस्ट अक्टूबर के स्टार्टिंग से मैसेज कर रहा था, अक्टूबर के स्टार्टिंग से ये मैसेज कर रहा था कि आओ सर्विस कर दो। और इसके पहले भी एक पार्ट का जो दिक्कत हुआ था बैटरी वाला इशू, उस टाइम पे भी ये प्रॉब्लम आई थी और बाइक को बनने में ऑलमोस्ट 1 से 2 महीना लग गया था। और अभी भी जो सर्विसिंग के लिए था तो वो लोग बार बार ये कह रहे थे, एक तो पहले टाइम पे फोन क्या हो रहा था, भाई तुम ही बताओ क्या क्या हो रहा था। अभी भाई ही बताने वाला है कि मतलब क्या क्या प्रॉब्लम उसने फेस किया है अभी रिसेंटली, और ये वीडियो में क्यों बनाना पड़ रहा है। तो भाई बताओ कि अभी तुम्हारा क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा था। वो लोग टाल रहे थे सर्विस को लेके, अगर हम उनको कॉल किए दो तारीख पहले, हम लोगों को मैसेज डाले, मैसेज का उनका मतलब कोई नहीं रहता है, मतलब मैसेज का रिस्पॉन्स क्या था। तो गाइस मतलब मैसेज का ये सीन है कि मैसेज, तो मतलब भाई का कहना ये है, मैसेज ही कर दीजिए हमको, एक मैसेज कर दीजिए कि हम अभी, भाई बता रहा था कि भाई को क्या क्या प्रॉब्लम्स के अंदर आ रही थी। तो जो सर्विस के समय पे क्या होता है ना, या बाइक में कोई इशू आ गया तो ये मैसेज किया व्हाट्सएप पे, तो व्हाट्सएप पे वो क्या करते हैं ना कि सीन करके छोड़ देते हैं। एक होता है कि भाई रिस्पॉन्स दिया जाता है कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा, हमें 1 वीक में हम रिस्पॉन्ड करेंगे या फिर 2 वीक में हम आएंगे, इस तरीके से बताया जाता है। तो आदमी के अंदर एक संतुष्टि होता है कि चलो रिप्लाई आया है, वो हमें मतलब कि सर्विस दे रहे हैं एक तरीके से। मतलब हम लोग क्या होता है भाई, देखो बाइक हो या कोई भी, हाँ कोई भी प्रोडक्ट हो, आप एक बार ले लेते हो तो वो तो चीज सही है, लेकिन उसके बाद जो सर्विस दिया जाता है उसके लिए आपको याद किया जाता है, जो मेन बात है। तो भाई बिहार के अंदर में हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है ये मैं आपको बताता हूँ कि हमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था कि कुछ भी पार्ट्स खराब हो रहे थे तो भाई का बाइक ऑलमोस्ट 1-2 वीक तक घर पे ऐसे ही खड़ा रह जा रहा था। मतलब इतनी महंगी बाइक और इतनी अच्छी बाइक लेने के बाद भी हम लोग उसको राइड नहीं कर पा रहे थे, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम, क्योंकि भाई बाइक के बिना एक राइडर रह ही नहीं सकता है। और उसके बाद उधर से रिस्पांस भी नहीं आ रहा, आप मैसेज कर रहे हो सीन करके छोड़ दे रहे हैं, कॉल का रिस्पांस नहीं कर रहे हैं, और अगर उसके बाद जब रिस्पांस भी कर रहे हैं तो लड़का 2 दिन के बाद चला जाएगा, लड़का फेस्टिवल के बाद चला जाएगा, और ऐसा कर करके ऑलमोस्ट 1-1 महीने तक टाल दिया गया। मैं बहुत पहले सोचा था कि इस वीडियो को मैं बना लूंगा, बट जैसा कि भाई ने कहा कि वो BMW ओन कर रहा है तो उससे थोड़ा इमोशनल आदमी अटैच हो जाता है, उसके बारे में मतलब जो सच्चाई है वो भी नहीं बोलना चाहता, मतलब ऐसा नहीं बोलना चाहता बाइक ओन हो रहा है तो भाई यही चाहते हैं लोग कि उसके बारे में अच्छा ही बताया जाए, बट ऐसा कुछ नहीं था गाइस। जो हमें दिक्कतें आई हैं वो चीज़ शेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इन फ्यूचर आप प्लान कर रहे हो अपने बिहार के अंदर में इन फ्यूचर की आप इस बाइक को ओन करोगे, तो भाई देख लो सर्विस के लिए जो प्रॉब्लम आ रही है वो मैंने क्लियर कर दिया कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है बाइक के अंदर में तो बाइक आपका 1-1 महीना तक नहीं बनेगा और आपके घर पे खड़ा रहेगा। और इतनी महंगी बाइक लेने के बाद भी अगर आपके साथ ऐसा होगा तो कोई फायदा नहीं है इतना महंगा बाइक लेके। तो गाइज मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको बाइक लेना है BMW, नो डाउट बाइक बहुत अच्छी है, बट अगर सर्विस सेंटर आपके शहर में तो ले लो, या पास में 100-200 किलोमीटर का है कि आप जा सकते हो और आ सकते हो तो ले लो। लेकिन अगर आपके पास बाइक है और आप कहीं दूर रहते हो और 300-400 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो भाई मत ओन करो ये बाइक, ये मेरा रिव्यू है और भाई का भी यही कहना है। मतलब आप सुन सकते मत लो भाई, यही बात है, सर्विस सेंटर नहीं है तो मत। और भाई जो BMW से अगर कोई BMW को मैं टैग भी मारूंगा, अगर BMW से कोई देख भी रहा है तो देख लो भाई पटना के अंदर क्या सर्विस है, क्योंकि भाई बाइक के बाद मेरे को भी कॉल आ रहा था क्योंकि मैं वहाँ पे चेक करके आया था बाइक और अपनी सारी डिटेल्स दे के आया था, मतलब हाँ। और तो मैंने उसे बस मेरा बस एक ही चीज कहना है BMW से, जब उन्होंने बाइक बिहार के अंदर में सेल हो चुकी है तो भाई एक छोटा सा सर्विस स्टेशन ही डाल दो ना, सर्विस सेंटर डाल दो, हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, एक सर्विस सेंटर डाल दो तो हम यहाँ पे बाइक लेके ओन कर सकते हैं और राइड कर सकते हैं, हमें BMW से कोई ऐतराज नहीं है। बट अगर ऐसा सर्विस होगा ना तो हम किसी को भी नहीं बोलेंगे कि भाई आप BMW लो, यही हमारी जो फैक्ट है, जो बात है मैं बताऊँ। बाकी मैं सारा स्क्रीनशॉट और सब कुछ मैं डाल दूंगा, देख लेना कि कैसा उनका रिस्पॉन्स था और किस टाइम पे हमें मैसेज मिला है। और भाई 3 अक्टूबर के आसपास हम लोगों ने उन्हें मैसेज किया था और हमारी बाइक बनी थी 3 या 4 नवंबर को, ऑलमोस्ट दिवाली या दिवाली के बाद। वो सारा चीज़ मैं प्रूफ के तौर पर मैं डाल दूंगा स्क्रीनशॉट में, वो आप देख लेना। बाकी अभी ये वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं, ये वीडियो ऐसे ही बड़ा हो गया। तो गाइस आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखेंगे, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और BMW लेने से पहले एक बार जरूर सोच लेना। चलो बाय बाय, टेक केयर।